Hi everyone, salam, namaste and welcome back to my channel. I am Poonam from Your Life, My Life से. तो मैं आज थोड़ा सा सोसाइटी के नीचे में आई थी थोड़ा देर के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इवनिंग में नहीं होता है तो मैं डिनर बनाने के बाद आती हूँ. तो सोसाइटी में एक फैमिली है जिन्होंने आजकल रैबिट रैबिट को एज ए पेट के हिसाब से पाल रहे हैं. तो मेरी बेटी उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी. फर्स्ट टाइम देख के लग भी नहीं रहा था उसको, इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था. मुझे बोले थे मम्मा चलिए रैबिट को लेके जाते हैं. तो इस रैबिट का नाम था एलेक्स. तो पर्सनली ना मैं ना ही मेरे हस्बैंड या मेरे फैमिली में कोई भी पेट लवर नहीं है, बट मेरी बेटी पूरा ऑपोजिट है. वो कोई भी पेट देखती है तो एकदम उछल पड़ती है. वो सिर्फ रैबिट नहीं, कैट, डॉग, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसी कारण वो नीचे सोसाइटी में जाना पसंद करती है. एंड घर आने के बाद उसको फ्रेश कर दिए, उसके बाद वो अपने स्टिकर के साथ थोड़ा बिजी हो गई. उसके बाद मैं हम लोग डिनर कर लिए. तो मैं यहाँ पर जो डिनर बनाई थी आज एक करी, बट डिफरेंट स्टाइल में, स्टीम वाला. तो आपको बहुत ही जल्दी ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन होता है ये सेंटर टेबल से होता है, क्योंकि यहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं. तो पहले मैं जो सेंटर टेबल है उसको अच्छे से क्लीन कर लेती, क्योंकि मुझे लगता है सेंटर टेबल क्लीन रहता है तो पूरा घर नीट एंड क्लीन रहता है. तो मैं पूरा घर तो रात को नहीं करती, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं करती हूँ वही आपके साथ शेयर करी. तो यहाँ पे पहले सेंटर टेबल को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर जो सोफ़ा है हम लोग का जो लिविंग एरिया का, वो सोफ़ा को थोड़ा सा नीट एंड टाइडी कर देती हूँ. क्योंकि सुबह सुबह जब उठती हूँ अगर सोफ़ा और सेंटर टेबल गंदा रहता है तो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आता है. और कोई कारण सुबह सुबह कोई आ जाता है तो घर भी बहुत गंदा दिखता है. तो दैट्स वाई मैं ये दोनों चीज़ को डेफिनेटली क्लीन करती हूँ. उसके बाद नेक्स्ट आ जाती हूँ फ्रिज में. फ्रिज में जो भी लेफ्ट ओवर सामान है उसको चेक करते हुए मैं नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट और लंच के बारे में सोचती हूँ. एंड उस हिसाब से कोई भी सब्जी और वेजिटेबल कट करना होता है वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना वेजिटेबल कट करना टाइम कंज्यूमिंग लगता है. बिकॉज अगर एक काम कम हो जाए तो मुझे जो 15 मिनट में सब्जी काटने में लगाती हूँ वो टाइम मैं कुकिंग के लिए दे सकती हूँ. तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है मैंने लेफ्ट ओवर को निकाल कर जो नहीं खाना है उसको फेंक देती हूँ, और जो मुझे कल के लिए प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं पहले से निकाल के रख ले रही हूँ. नेक्स्ट जो भी बर्तन है, मैं तो ऐसे जितने भी बर्तन मैं लेती हूँ पहले से पानी से धो के मैं रखती हूँ, कभी मैं ऐसे ही नहीं रखती. तो नेक्स्ट जो करती हूँ यहाँ पे जो बर्तन है उसको जो प्रॉपर जगह है वहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि अगर जब तक बास्केट खाली नहीं होगा तब तक बर्तन को क्लीन नहीं कर पाएंगे. तो प्रॉपर जगह में रखने के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना भी ज़रूरी है, जिससे कोई भी कभी भी कुछ भी सामान ढूंढे तो ईजिली मिल जाए. उसके बाद जो भी खाना बचा था इस तरह से लेफ्ट ओवर जो मुझे बचा था उसको मैं एक अच्छे से एयरटाइट डब्बे में करके मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द खाना फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ, मैं बाहर में नहीं छोड़ती हूँ. तो यहाँ पर बहुत कम राइस और सब्जी बचा था तो मैं एक ही डब्बे के अंदर भरी थी. और नेक्स्ट में जो और ऐसे भी फ्रिज में कोई भी खाना ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा एक एयर टाइट डब्बे के साथ ही यूज़ करना चाहिए. और वो भी स्टील और या शीशे का हो तो बेस्ट ऑप्शन है, प्लास्टिक का तो भी मतलब अवॉइड करना ही चाहिए. नेक्स्ट मैं यहाँ पर दी हूँ लोविया फूलने के लिए नेक्स्ट डे के लिए. साथ में मैं कुछ वेजिटेबल भी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि साथ में मुझे बनाना था एक सिंपल सा खिचड़ी बच्चे के लिए, जो मेरी बेटी के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ना कुछ ज़्यादा खा नहीं पाती है. तो मैं मोस्ट ऑफ द डे मॉर्निंग के टाइम उसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, और जो प्रिपेयर उसके अलग से उसका जो ब्रेकफास्ट होता है टिफिन लंच बॉक्स के लिए वो अलग होता है. तो यहाँ पे खिचड़ी के लिए मैं सब्जी काट लिया हूँ, साथ में हम लोग के लिए बनेगा ये राजमा, सॉरी लोबिया और ये कुंदरी कहते हैं, ये दोनों सब्जी में काट के दोनों ही एयर टाइट डब्बे में करके इस तरह से मैं फ्रिज में रख दूंगी डायरेक्टली. तो इससे एक बेनिफिट ये होता है आपका सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, आपको टेंशन नहीं होता है, टेंशन फ्री आप सो सकते हैं, सुबह उठ के डायरेक्टली कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसके बाद मैं नेक्स्ट जो करती हूँ बर्तन धोती हूँ, और बर्तन धोने के टाइम मैं पहले जितने भी बर्तन रखती हूँ पहले से एक बार पानी से वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि तुरंत ही मैं बर्तन धोती नहीं हूँ. और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा नाइट का जो बर्तन है वो रखा हुआ रहता है, मेरा मेड आता है वो धोती है, बट 2-3 दिन से वो नहीं आ रही है. तो ये मेरा अभी जो एक्स्ट्रा जो काम है बर्तन धोने का तो इस तरह से करती हूँ. आप लोग चाहें तो बर्तन को एक बास्केट में करके भी रख सकते हैं जो लोग नहीं धोते हैं बर्तन. तो इस तरह से मैं बर्तन धोने के बाद पहले सिंक को अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद जो बर्तन में पहले से डिटर्जेंट या सोप लगा के रखी थी उसको मैं इस तरह से ले लेती हूँ. उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ जो एरिया में मुझे बर्तन रखना है, उसके ऊपर मैं रखूँगी एक कोई भी कपड़ा जो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं यूज़ करी मेरे हस्बैंड का जो यूज़ नहीं होते वैसा एक टी शर्ट, और उसके बाद मैं
साथ में रखते हैं एक छोटा सा बास्केट जिसमें मैं स्पून या छोटा कोई भी आइटम है उसको रखने के लिए, जैसे मुझे कभी चाहिए मैं तुरंत वहाँ से निकाल पाऊँ, तो इसी तरह से मेरा जो बर्तन है अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो भी बड़ा बर्तन है उसमें जितने भी पुराने मतलब जो भी कपड़े से मैं क्लीन कर रही हूँ उसको एक गर्म पानी में छोड़ देती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर जो भी एरिया जो ओपन है जहाँ जहाँ मैं टच किया हूँ उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आप लोग चाहें तो ये जो लिक्विड है घर पर भी बना सकते हैं, सिंपल वाटर विनीगर खाने का सोडा के साथ और थोड़ा सा डिटर्जेंट या आपका लिक्विड सोप। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बॉक्स होता है उसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, नहीं तो वहाँ पे एक चिपचिपापन आ जाता है। मिक्सी का जार तो मैं हर दिन हर चीज़ नहीं करती हूँ वन बाय वन, किसी दिन ये पार्ट को कर लिया किसी दिन वो पार्ट को कर लिया, इस तरह से मेरा मैंने प्लानिंग किया हुआ है। तो इस कारण मेरा जो किचन है हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, तो बहुत ज़्यादा हेडेक भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन। जैसे आज मैं इस कॉर्नर को क्लीन कर रही हूँ जहाँ पर मेरा स्पून और ऑयल का जार। इस तरह से करने से फ़ायदा है, आपको डेली बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होता है, वो हर कॉर्नर आपको चमकते रहता है। तो इस तरह से आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा कॉर्नर को वो मैंने नहीं क्लीन किया। जैसे आप मैं माइक्रोवेव का एरिया नहीं कर रही हूँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मॉर्निंग के टाइम में करती हूँ, आज मैं मिक्सी जार कर रही हूँ और कॉर्नर साइड। इस तरह से प्लानिंग करने से आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा, तो आपका हर कॉर्नर से आपको साफ साफ दिखेगा। तो जैसे मैं डेली जो मेरा हैबिट में है नाइट टाइम रूटीन में, मेरा जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म के सामने जो वॉल है और साथ में ये गैस स्टोव है, मैं इसको पहले एक कपड़े से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद मैं स्क्रॉच ब्राइट के साथ या जो स्क्रबर है बर्तन धोने का उसके ऊपर मैं थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डालते हुए उसको अच्छे से घिस लेती हूँ। कोई भी फूड पार्टिकल अगर गिरा हुआ रहता है तो ईजिली वो क्लीन हो जाता है, जिससे आपका जो किचन है बहुत ही क्लीन दिखता है। इवन सुबह जब उठो तो आपका जो किचन जब दिखते हैं तो लगता है हाँ चलो मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन है। तो मुझे ये चीज़ तो मैं कंपलसरी करती हूँ, मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। इवन अगर खाना जिस दिन नहीं भी बनाती हूँ बाहर से भी खाती हूँ तो रफली एक कप भींगा हुआ कपड़े से डेफिनेटली मैं उसको क्लीन जरूर करती हूँ। गैस के नीचे भी मैं हमेशा क्लीन करती हूँ, इवन जो मेरा चिमनी है उसको। उसके बाद जितना भी क्लीन है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा जो सबसे बड़ा पॉट था वो अभी आपका आपका मेरा प्रेस्टीज का जो कुकर है उसमें जितने भी कपड़ा है उसमें मैं डाल चुकी हूँ और उसको मैं गर्म पानी के लिए तब तक सोख होने के लिए देती हूँ। तब तक जो बाहर और से लेके किचन आने तक वो जो एरिया होता है बहुत गंदा हो जाता है, तो मैं पहले जो कारपेट होता है उसके एक ब्रश से अच्छे से उसको स्क्रब करती हूँ एंड देन उसमें जो भी गंदगी वो बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके कारण भी कॉकरोच बहुत आ सकता है। तो उसको क्लीन करने के बाद मैं एक अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, जिससे मेरा जो किचन है ऑल ओवर बहुत ज़्यादा चमचमाते हुए रहेगा और आपका जो किचन है बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी भी लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दो बार पोछा लगाती हूँ, एक बार झाड़ू एक बार पोछा लगाती हूँ, डिपेंड ऑफ जो कितना फूड पार्टिकल गिरा हुआ है। तो इस तरह से जो मेरा ऑल ओवर जो किचन और थोड़ा सा लिविंग एरिया, मैं लिविंग एरिया को पूरा नीट एंड क्लीन नहीं करती हूँ, जस्ट जो एरिया है बैठने के लिए वो जगह से लेके किचन आने तक वहीं तक मैं उसको साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। एंड देन मेरा जो यहाँ पे जो किचन क्लीनिंग का जो रूटीन होता है एवरीडे यहीं पे ख़त्म होता है, और जो कपड़ा मैं पहले से भिंगा के रखी थी वो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ या कभी हाथ से धो के उसको कपड़े को सूखने के लिए डाल देती हूँ। और ये था मेरा ओवरऑल नाइट टाइम रूटीन, डेली वाइज जो मेरा रियल रूटीन है। हाँ, बर्तन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं धोती हूँ, ये विदाउट मेड है, जब मैं मेड नहीं रहती है तब मेरा ये डेली कर मतलब इस टाइप का, जैसे कभी एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेती है तब उस टाइम का मेरा ये रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। उसके बाद मैं पीती हूँ एक ग्लास वाटर, फिर स्विच ऑफ करती हूँ अपने किचन का लाइट और चले जाती हूँ डायरेक्टली अपने रूम में। सो आई होप आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपका आज का ब्लॉग हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, और उसका जो ऑप्शन है आपको ऑल दबाना होगा, तभी कोई भी नया मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो एंड न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।